उत्तर प्रदेश के मथुरा में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष के मौन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बांग्लादेश पर बोलेगा उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीएम योगी ने इस दौरान सनातन धर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया है। तो सनातन धर्म को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान, सनातन धर्म को हर हाल में बचाना चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था, और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा कि देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। तो विपक्ष को फिलिस्तीन दिख जाता है, बांग्लादेश नहीं दिखता। देखिए कितना बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ ने किया है। मेरे साथ संजय त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से मौजूद हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और सनातन को लेकर भी संजय बहुत मुखरता के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार यहां पर रखे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन सटीक बैठती है। पिछले कई सारे के चुनाव के नतीजों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत पाई है वो इसकी वानगी है, इसी का परिणाम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद भगवाधारी हैं, वो हमेशा से हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन लेकर चले हैं। उनकी सरकार के जो भी फैसले हुए हैं उनमें भी आप इसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अलग बात है कि 2024 में जब विपक्ष ने PDA फार्मूला अपनाया, हिंदू धर्म में जो अलग अलग जातियां हैं उनकी बात की और चुनाव में अप्रत्याशित जीत पाई, और अब उत्तर प्रदेश में जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और इसके बाद 2027 के आम चुनाव हैं, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी फिर से हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चलने लगी है, इसी मकसद से कि उसे निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी और जितना भी विपक्ष है वो इसकी आलोचना भले ही करते रहे कि ये समाज में विभाजन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो फूट डालते हैं, इस तरह की बातें करती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य जितने भी नेता मंत्री हैं सरकार के, वो लगातार सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं, हार्डकोर हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। और अभी ही नहीं, आपने देखा होगा जब बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें निकल के आई थी जहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, तब भी इन सभी नेताओं ने मुखर होकर के हिंदुओं के पक्ष में बात कही थी और विपक्ष को घेरा था कि आखिरकार विपक्ष इस पर क्यों बोलने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो बहरहाल 10 सीटों के जो बाई इलेक्शन हैं उनमें बेहतर परिणाम देखने की मंशा से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए आपका। तो जो उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में, उसकी भी धमक इन बयानों में देखी जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।